ममता का कांग्रेस पर वार, राजनीति को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं, फैसले नहीं लेने के चलते देश पीड़ित। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को दिया भारत आने का न्योता, गरीबी और जलवायु परिवर्तन पर की चर्चा। सपा में शामिल हुए बीजेपी विधायक राकेश राठौर, बसपा के 6 विधायकों ने भी ली सदस्यता। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल से हुए रिहा, क्रूज ड्रग केस में थे बंद। देश में कोरोना के 14,313 नए मामले आए सामने, पिछले 24 घंटों में 589 संक्रमितों की हुई मौत। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। देहरादून में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को आज संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी की प्रदेश सरकार में चहुमुखी विकास हो रहा है। गृह मंत्री ने सहकारिता मंत्री की पीठ थपथपाई और गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में घसियारी योजना मील का पत्थर साबित होगी। गृह मंत्री ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। गृह मंत्री ने जनसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आते हैं तभी कांग्रेस की सक्रियता देखने को मिलती है। गृह मंत्री ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को चुनौती दी और कहा कि हरीश रावत एक बार फिर अपना स्टिंग ऑपरेशन देख लें। देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा का विरोध किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में आई दैवीय आपदा में केंद्र की ओर से कोई सहयोग नहीं किया गया। इसके साथ ही बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से आम जनता इस वक्त परेशान हो चुकी है, बावजूद इसके केंद्र सरकार की ओर से जनहित में कोई भी काम नहीं किया गया है। वही डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते अब प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने सरकार से रोडवेज के बसों में बराबर किराया बढ़ाने की मांग की है। ऋषिकेश में चेतावनी दी गई कि 14 नवंबर तक सरकार ने अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो बस ऑपरेटर खुद ही किराए में वृद्धि कर लेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बता दें कि किराया बढ़ोतरी की मांग को लेकर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के सैकड़ों बस ऑपरेटर बैठक करने के लिए ऋषिकेश पहुंचे हैं। बैठक में चर्चा के बाद सरकार के उस निर्णय का विरोध किया गया जिसमें सरकार ने किराया बढ़ाने के अपने फैसले को फिलहाल चुनाव के मद्देनजर स्थगित कर दिया। उत्तराखंड के जितनी भी समस्त परिवहन संस्थाएं हैं बसों की, उनकी एक बैठक रखी गई थी जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं सभी संस्थाएं उस मीटिंग में आई थी और उसका मुख्य जो उद्देश्य था, जो एसटीए द्वारा किराए का निर्धारण ना करके उसको निरस्त कर दिया गया था, उसके खिलाफ सरकार के और एसटीए के खिलाफ आज बैठक हुई है। उसमें एक सदन ने पारित कर दिया है कि हम हिमाचल की तर्ज पे अपना 14 तारीख के बाद अगर शासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं करता है तो 14 तारीख या 15 से हम हिमाचल की तर्ज पे जो किराया है वो ले लिया जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर के एक इच्छा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए जनपद में नशा मुक्ति अभियान चलाया रहा है, जहां पर किच्छा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्षेत्राधिकारी सितारगंज ओम प्रकाश शर्मा और प्रभारी निरीक्षक किच्छा के नेतृत्व में वरिष्ठ उप निरीक्षक के साथ आगामी त्योहार से पहले रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की गई। इस दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया। ऐसा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार नशा कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था, जिसमें आज काफ़ी किच्छा पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें 200 ग्राम स्मैक व 450 ग्राम। कलियर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मेरा बूथ मेरा गौरव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कलियर विधानसभा में भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए ट्रेनिंग दी गई। शिविर में दिल्ली से आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आगामी चुनाव 2022 को लेकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। दिल्ली से पिरान कलियर पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सह प्रभारी ओएसडी प्रकाश निधि प्रशिक्षण शिविर के सह संयोजक और महाराणा प्रताप ओपी चौहान ने मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया।
दिल्ली से आए एक्सपर्ट ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के विषय में कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी, जिसमें कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर बूथ स्तर पर कैसे काम करना है इस पर जानकारी साझा की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मेरा बूथ मेरा गौरव उत्तराखंड के 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों में हम अपने बूथ लेवल एजेंटों को ट्रेनिंग देने के लिए ये लागू की। उसी के तहत हरिद्वार जनपद में 27 तारीख को मंगलौर का, 28 तारीख को रानीपुर विधानसभा क्षेत्र का और 29 तारीख को भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र का। आज रुड़की में आम आदमी पार्टी की रोजगार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आप नेता कर्नल अजय कोटियाल वहीं पर पहुंचे हुए थे जहां रुड़की के मछली बाजार से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। भारी संख्या में कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। रुड़की के मुख्य बाजार से शुरू हुई तिरंगा यात्रा शताब्दी द्वार पहुंचकर संपन्न हुई। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में है। वहीं 31 अक्टूबर को पिरान कलियर विधानसभा में आप पार्टी तिरंगा रोजगार यात्रा निकालेगी। टिहरी के विधानसभा प्रताप नगर में खराब सड़कों को लेकर स्थानीय जनता ने डोबरा लमगाम मोटर मार्ग में सड़कों की खस्ता हाल को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर सड़क पर जाम लगाया गया। जाम से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जिला पंचायत के पूर्व सदस्य मुरारी लाल खंडवाल ने कहा कि हमारे प्रताप नगर में जिस प्रकार से सड़कों की खस्ता हालत है, कोई भी हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक सड़कों को ठीक नहीं कराया जाएगा, हमारा धरना इसी प्रकार से जारी रहेगा। कांग्रेस नेता धूम सिंह रागड़ ने कहा कि डोबरा पुल उसे तमाम सड़कें उस वहां पर खस्ता हाल हो चुकी है, जिसके कारण आए दिन यहां पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में सरकार को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना होगा। रुड़की में वेंडरों ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर अपनी ताकत को आज साबित कर दिया। शोषण के खिलाफ एकजुट हुए वेंडरों की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो किसी भी तरह का शोषण बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि वेंडर्स एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश संयोजक अमित अग्रवाल और जिला अध्यक्ष साजिद मलिक के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए वेंडरों ने व्यापार मंडल के कैंप कार्यालय में पहुंचकर व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष को अपनी मांगों को लेकर एक पत्र सौंपा। वहीं महानगर अध्यक्ष धीर सिंह ने भी उन्हें मांगे पूरी करवाने का आश्वासन दिया है। वेंडरों की जायज मांगों को देखते हुए नगर निगम के कई पार्षदों ने भी वेंडरों को अपना समर्थन दिया है। पौड़ी गढ़वाल में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि शीतकाल को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के संवेदनशील पालाग्रस्त सड़क स्थलों का चिन्हीकरण किया जाए और एक महीने के भीतर समुचित कार्य कराते हुए मार्गो को सुगम बनाने का सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही उन्होंने परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि लोक निर्माण विभाग में मार्गो के प्रपोजल को लेना सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान उन्होंने मार्गो की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि दुर्घटना वाले स्थानों पर बोर्ड मिरर लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि स्प्रिट ब्रेकर से थर्मा प्लास्टिक पेंट लगाएं, जैसे वाहन चालकों को ध्यान रहते हुए सावधानी वो बरत सके। वहीं पौड़ी गढ़वाल के संस्कृति भवन के ऑडिटोरियम में साहित्य व सांस्कृतिक मंच स्कूली छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की तरफ से मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में कई स्कूल के बच्चों को स्वेटर बांटा गया है। जिलाधिकारी जोगदंडे ने कहा कि साहित्य और सांस्कृतिक मंच कोटद्वार की ओर से सराहनीय काम इस वक्त किया जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल में सिविल जल विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप कुमार तिवारी ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेसवार्ता आयोजित की। जनपद में चलाए जा रहे विभिन्न विधिक सेवा प्राधिकरण के शिविरों तथा प्राधिकरण की तरफ से किए जा रहे काम और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी से रूबरू कराया गया। आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2021 तक भारतीय विधिक जागरूकता और आउटरीच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ साथ जिला प्रशासन की ओर से जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को विधिक जानकारियों को लेकर जागरूक इस वक्त किया जा रहा है।
कलियर के विधानसभा झबरेड़ा में वरिष्ठ युवा नेता शलभ कुमार सांची की तरफ से एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल पहुंचे हुए थे। यहां कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे हुए थे और कर्नल अजय कोठियाल को सुनने के लिए ग्रामीणों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। वहीं कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि हम सत्ता में जब आएंगे तो हम उन्हीं मुद्दों को सफल कर दिखाएंगे जो आंदोलन के समय उत्तराखंड में अलग हुआ था, उन सभी वादों को हम पूरा कर दिखाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी तक हम फौज में देश के लिए लड़ रहे हैं और अब हम उत्तराखंड के लिए लड़ेंगे। देखो, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, जगह जगह जाकर के जनता से मिल रही है, जनता को समझा रही है कि हम किस तरीके से जब पावर में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो उन मुद्दों को कामयाब करके दिखाएंगे जो आंदोलन के टाइम पे, जब उत्तराखंड अलग हुआ आंदोलन के बाद में, और जो जनता की इच्छाएं थी और जो जरूरत थी। साथ में आम आदमी पार्टी लोगों से जब मिल रही है तो उनके सुझाव भी ले रही है, और इन्हीं सुझावों को लेकर के जो हमारा इलेक्शन लड़ने से पहले जो मैनिफेस्टो होगा उसमें जनता की आवाज़ को हाईलाइट करके आगे लेके चलेगी। तो ये हमारा एक लंडौरा में राजस्व और खनन विभाग की टीम सरकारी भूमि से मिट्टी का खनन करते हुए उन्होंने लोगों को पकड़ा है। आपको बता दें कि पकड़े गए वाहनों को पुलिस की टीम को सौंप दिया गया है। बता दें कि गादा रोड़ा गांव में बालाजी मंदिर के पास काफी मात्रा में सरकारी भूमि खाली पड़ी हुई है। उस जमीन पर काफी समय से रेत और मिट्टी का खनन किया जा रहा है। एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार सुरेश पाल सैनी, राजस्व और खनन विभाग की टीम ने छापा मारते हुए मिट्टी से भरे दो डंपर, एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। ना मिली थी फोन से कि गद्दर होना में जो है अवैध रूप से खनन हो रहा है, तो यहाँ पे हम जैसे ही आए तो यहाँ पे जो दुलारी का खेत है 464 कतरा नंबर, जो चकबंदी के पटवारी ने हमें बताया है, तो इसकी अनुमति है 3025 घन मीटर की। इसमें से खनन हो रहा था, जो खनन विभाग और हमारे राजस्व विभाग ने और चकबंदी विभाग ने मिलकर पैमास करी, वो 882 घन मीटर आया है अभी तक 3025 के सापेक्ष। लेकिन इसके बाद हमें सूचना मिली कि आप थोड़ा अगर आगे जाओगे तो आगे भी इसमें खनन हो रहा है, तो हम जैसे ही गए यहाँ से गादरोना से आगे निकल के दुलारी के खेत से, तो बुक्कनपुर के रकबे में दो त्योहार के सीजन के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय भूमिका में नजर आ रहा है। बता दें कि ऋषिकेश में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के कई मिष्ठान प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि कार्यवाही के दौरान मिलावट की आशंका के चलते मिठाइयों की दुकान से सैंपल भी लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए रुद्रपुर सरकारी लैब में भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का दावा है कि जांच में अगर गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर छापेमारी की जा रही है, और अभी तक करीब 4-5 दुकानों का हमने, मिठाई की दुकानों का इंस्पेक्शन किया है, और तीन नमूने अभी तक ले लिए हैं, एक पेठा का और एक गजक का, और यहाँ से स्वामी डेयरी से लड्डू का सैंपल लिया गया, और आगे भी अभी हम चेकिंग अभियान आज जारी रखेंगे। हाँ, उसके खिलाफ हम नोटिस दे रहे हैं, क्योंकि ये पिछले भी त्यौहार में इनको कहा गया था, तो पिछले भाजपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ अब उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी क्रांति दल भी आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुट चुकी है। यहां तक कि क्रांति दल के शीर्ष नेतृत्व ने ऋषिकेश और डोईवाला विधानसभा का प्रभारी भी घोषित कर दिया है। पूर्व प्रधान मोहन सिंह असवाल और विधानसभा डोईवाला से शिव प्रसाद सेमवाल को प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। इसी कड़ी में क्रांति दल ने जनसभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में क्षेत्र की जनता पहुंची हुई थी। वहीं कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी और संरक्षक त्रिवेंद्र पवार सहित पार्टी के तमाम नेतागण पहुंचे हुए थे। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी विधानसभा से जुड़ी हुई सड़क एवं पेयजल की समस्याओं के निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान बैठक में गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री घोषणा से संबंधित सभी कार्य जल्दी पूरे कराने के आदेश जारी किए हैं, और कहा कि एक माह में जो भी टेंडर दिए गए हैं उन सभी पर काम हो जाना चाहिए।
वहीं चंपावत के सीमांत खटीमा में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों को लेकर रुद्रपुर परिक्षेत्र लोक निर्माण विभाग के अधिकारी महिपाल सिंह रावत द्वारा डिवीजन में चल रहे कार्यों को लेकर वार्ता की गई। वहीं महिपाल सिंह रावत ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने जो नए प्रस्ताव भेजे थे उनमें से एक महीने के अंदर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जहां उन्होंने बताया कि खटीमा विधानसभा में सड़कों में पैंच लगाने का काम इस वक्त चल रहा है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। खटीमा डिवीजन में तो मैं आता रहता हूँ, कई बार मेरा इंस्पेक्शन हो चुका है। आज जो मेरा आने का मकसद था ये, इसमें हमारे जैसे अभी पैच वर्क का काम हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया लोगों ने, और काफ़ी जगह चल रहा है। मैंने इंस्पेक्शन किया है, कम से कम 8-10 रोडों पर भी लगातार काम चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे रिन्यूअल के कार्य है वो भी 10-12 रोडों पर चल रहा है। आगे जो काम होने हैं उसके लिए मैंने अपने अधिशासी अभियंता को और अपने जेई और रेई को सबको दुरुस्त कर दिया है कि ये आगामी दिसंबर से पहले पहले। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।